आ चुके हैं एक और नए वीडियो में वापिस। तो जनरली क्या आपने अभी नया PSP अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है और गेम्स खेलना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब PSP का फोल्डर नहीं मिल रहा है या बनाने नहीं आता, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। और हाँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना यार, अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है या गेम चलता नहीं है। और हाँ, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट मिलता है भाई। तो शुरू करते हैं वीडियो, तो शुरू करते हैं वहां से जहां आपने PSP डाउनलोड किया। तो आप जैसे इसको खोलोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और आप जब ओके पर क्लिक करोगे तो ये सीधे फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। तो यहां पर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं और सिंपल करने के लिए आपको जेड आर्चीवर बताऊंगा। तो देखो, सिंपल से आपको हटा देना है और जेड आर्चीवर ओपन करना है, क्योंकि इससे बहुत ही सिंपल आपको बताऊंगा सिंपल मेथड। तो ओपन होने के बाद आपको प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर वाले पर क्लिक करना है न्यू फोल्डर, और यहाँ पर इसको नाम दे देना है PSP। और बस अब PSP के फोल्डर पर क्लिक करना है और उसे ओपन करना है। यहाँ पर फिर से क्लिक करना है न्यू फोल्डर और यहाँ पर आपको नाम देना है गेम। अब आपको फिर से क्रिएट करना है आपको नया फोल्डर जिसका नाम होता है चीट्स, यानी कि इसमें आप जो भी चीट कोड होता है वो डालोगे। अब इसके बाद आपको सेम वही करना है सेव डाटा का, सेव डाटा नाम का आपको एक फोल्डर बना लेना है। तो इस फोल्डर का काम तो हो गया, अभी आपको जो भी गेम है जो आपने एक्सट्रैक्ट करके रखा है उसको गेम में डालना है। तो देखो, सिंपल है, डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करना है और जो भी गेम जहां पर भी आपका है वहां पर जाना है, उसको कट का दबाना है, कट ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहां पर ऊपर दबा के डिवाइस स्टोरेज में जा करके इसको जो आपने फोल्डर बनाया PSP गेम में इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। बस आपका यहां तक का काम हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा काम बचा है जो कि है PSP एमुलेटर में। तो सिंपल सा है, PSP को खोलना है आपको। खोलने के बाद आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और यहाँ पर सीधे वही फोल्डर PSP खुल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बैक कर देता हूँ आपको बताने के लिए। तो आपको सीधे रियल आपका जो भी मोबाइल है उसमें जाना है, फोल्डर में जाना है और PSP का जो फोल्डर है वहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करना है और अलाउ कर देना है। और सिंपल सा ये हो गया। अब आपको गेम पर दबाना है और देखो आपका जो भी गेम होगा वो आ जाएगा, जैसे कि मेरा आ गया है। तो यहाँ यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हारा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।